हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मिनी और आज हम बात करेंगे एक और प्रॉब्लम के बारे में जो आजकल बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। आई प्रोसीड टू माई नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस अच्छे लगे होंगे और डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगे होंगे। इसके अलावा आप जिन भी टॉपिक्स पर हमसे नए वीडियोस चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। लेट्स मूव टू टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक है ग्रे हेयर। ग्रे हेयर यानी के बालों के पकने की समस्या, जिसे केनाइटिस विक के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रॉब्लम सुनने में बेहद ही आम लगती है, मगर जिस भी इंसान को ये प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम होती है उससे उनके ऊपर कई निगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग अपना कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम, यहाँ तक कि सोशल एक्सेप्टेंस में भी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। अक्सर लोग अपने इन बालों को छिपाते हुए नजर आते हैं, फिर चाहे वो वुमेन्स हो या मेन। प्रीमेच्योर ग्रे हेयर लोगों में एम्बैरेसमेंट का मैटर बहुत बार बन जाता है। इसकी ट्रीटमेंट के पहले हम बात करना चाहेंगे कि ये होता क्यों है, क्योंकि अगर आपको इसके होने के रीजंस पता हो तो आप इसका इलाज अच्छे से कर पाएंगे। टाइम के पहले बालों के पकने के कुछ रीजंस हो सकते हैं, जिसमें पहला रीजन है जेनेटिक और दूसरा रीजन है आपकी डाइट और इन्वायरमेंट से रिलेटेड। हम एक एक कर इन कारणों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में। विटामिन B12 की डिफिशियंसी अगर बॉडी में हो जाए तो बाल समय से पहले ही पकने लगते हैं। वहीं आयरन डिफिशियंसी यानी कि शरीर में आयरन की कमी, क्रॉनिक प्रोटीन लॉस, कॉपर यानी कि तांबे की कमी से अक्सर बाल प्रीमेच्योर ही ग्रे होने लगते हैं। इसके अलावा विटामिन D3 भी आपके बालों को टाइम के पहले पका और यानी कि ग्रे कर सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग भी एक काफी बड़ा फैक्टर माना जाता है। मेंस में स्मोकिंग की वजह से आपको ग्रे हेयर जल्दी हो सकता है। स्मोकिंग के दौरान ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके मेलानिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स यानी कि मेलानोसाइट्स को डैमेज कर सकता है, जिस वजह से मेंस में बाल या फिर वुमेन्स के बाल जल्दी ग्रे हो जाते हैं। वहीं लंबे टाइम तक अल्ट्रावायलेट रेज में अगर आप खड़े रहें तो भी आपके बाल ग्रे हो सकते हैं, क्योंकि आपके बालों की हेयर फॉलिकल पर इनका असर पड़ता है। इसके अलावा दूसरा मेजर फैक्टर है जेनेटिक। अभी जिस तरह से हमने न्यूट्रिशनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में बात की, वैसे ही जेनेटिक फैक्टर भी बालों के ग्रे होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिन भी फैमिलीज में ग्रे हेयर होते आए हैं उस हायरार्की वाले लोगों को भी ग्रे हेयर की समस्या हो सकती है, क्योंकि बालों के जीन्स बेहद ही कॉम्प्लेक्स और फैमिली से पास ऑन होते हैं। ये काफी डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में लोगों के मेलानोसाइट्स की कैपेबिलिटीज कितनी रही हैं, क्योंकि मेलानोसाइट्स सेल ही बालों की पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। कई बार डाउन सिंड्रोम यानी कि ट्राइसमी से भी एजिंग टाइम के पहले होने लगती है और बाल टाइम के पहले मैच्योर होने लगते हैं। हम सब के बॉडी सेल्स में DNA रिपेयर होता है। अगर ये आपके शरीर की कोशिकाओं में कम हो जाए तो भी टाइम के पहले बाल ग्रे होने लगते हैं। आई होप आपको अब बालों के ग्रे होने के रीजंस और फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे। बेस्ड ऑन दैट हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से इन ग्रे हेयर की टाइम के पहले पके हुए बालों का इलाज किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। आपका कोई भी फ्रेंड या नोन अगर इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा हो तो इसे वीडियो जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हेल्थ फोटोन फॉर ऑल हेल्थ रिलेटेड न्यूज।